आपने एक घर ले लिया, लेकिन उसे लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इंटीरियर कराना या उसे डेकोरेट करना, जिसमें आप मॉड्यूलर किचन, कबर्ड्स, पैनलिंग वगैरह कराते हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप अच्छा मटेरियल चूज करो, जिसमें कि इंटरनल वाला मटेरियल और एक्सटीरियर वाला मटेरियल दोनों ही अच्छे होने चाहिए। लेकिन इंटीरियर वाला मटेरियल अच्छा होगा उसके बावजूद भी वो अंदर छुप जाएगा, लेकिन बाहर वाला जो मटेरियल है वो अच्छे के साथ साथ अच्छा दिखना भी चाहिए। लेकिन यही चीज ढूंढने के लिए आपको काफी टाइम लग जाता है, मार्केट में भटकना पड़ता है या बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, तब भी आपको एक अच्छा मटेरियल नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूँ एक्रेलिक लैमिनेट। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक कंपैरिजन था वुडन लैमिनेट वर्सेस एक्रेलिक लैमिनेट का, और उस वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से आए थे कि भैया कौन सी एक्रेलिक लैमिनेट लेनी चाहिए। लेकिन उसका आंसर मैं तब नहीं दे पाया, लेकिन अभी देता हूं, क्योंकि एक प्रोडक्ट मेरे को मिला है जो कि एक्चुअल में एक्रेलिक लैमिनेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मैंने उसे खुद भी यूज करा है और बहुत जगह से रिकमेंडेशन भी मिली है मेरे को। तो यह है एडवांस का एक्रेलिक लैमिनेट। यह सिर्फ नाम से एडवांस नहीं है, फीचर्स में भी एडवांस है। तो यहां सबसे पहले आप मेरे पास देखोगे ये जो लैमिनेट है इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको सारे कुछ बताने वाला हूं। और हाँ, मैंने जो पहला वीडियो बनाया था एक्रेलिक वर्सेस मॉडर्न लैमिनेट में, उसमें कुछ टेस्ट भी करे थे एक्रेलिक को जज करने के लिए, वो टेस्ट भी मैं यहां पे करने वाला हूं, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है महादेव त्यागी, आप देख रहे हो इंटाटी डिजाइन। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो एक्रेलिक लैमिनेट होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट मैंने डिस्कवर करा वो होता है इसकी हार्डनेस। अगर आप यह देखोगे 6H लिखा हुआ है, आपको ये 4H में भी मिल जाएगी, लेकिन जो ये 6H हार्डनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्रेलिक लैमिनेट के रोल में। क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको कि हार्डनेस से एक्रेलिक लैमिनेट में क्या क्या फर्क पड़ता है तो आप हैरान रह जाओगे। सबसे पहला होता है, अगर एक्रेलिक लैमिनेट 6H हार्डनेस की है तो वो वेदर प्रूफ हो जाती है, मतलब जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वेदर के उस पे वो नहीं पड़ते हैं। दूसरा होता है उस पे स्क्रैचेस नहीं आते, मतलब एंटी स्क्रैच हो जाती है एक तरीके से, बहुत ही लेस स्क्रैच, अनलेस और अंटिल बहुत ज्यादा इंटेंशनली बहुत ज्यादा तेजी से मारे जाए तब उस पे दिख सकते हैं। तीसरा होता है उसका ग्लॉस बढ़ जाता है, मतलब जितनी चीज हार्ड होगी उससे ज्यादा ग्लॉस आएगा, और उसकी थिकनेस जितनी अच्छी होगी उससे ज्यादा भी उसका ग्लॉस आएगा। और लास्टली आपने देखा होगा जैसे कोई चीज हार्ड है तो उसके स्टेन्स कम आते हैं। जिसको प्रूफ करने के लिए छोटी सी थ्योरी है मेरे पास। मान लीजिए आईफोन तो हर कोई लेता है, लेकिन उसका कवर मान लीजिए कोई लेता है छोटी दुकान से और कोई लेता है अपना एप्पल के शोरूम से या कोई अच्छी दुकान से। पास दो कवर है, एक ये वो वाला कवर है जो आपको बाहर कहीं पे भी एक छोटी स्टॉल पे मिल जाएगा, एक कवर है जो आपको अच्छी शॉप पे मिलेगा। इन दोनों में फर्क क्या है, ये है सॉफ्ट केस के साथ। ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ये भी टोटली ब्राइट था और इसमें कोई कलर नहीं था, ये ट्रांसपेरेंट था। और ये जो आप देखोगे ये है हार्ड केस के साथ, हार्ड है। यहाँ पे आप देखोगे दोनों कवर यूज है, ये भी बहुत अच्छा यूज कर रखा है, पूरा इसको वसूल रखा है, लेकिन ये वाला पीला पड़ चुका है और ये वाला अभी तक ब्राइट है। द रीजन बिहाइंड इज हार्डनेस। तो इस छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि इसमें स्टेन्स आ जाते हैं जो कि ये इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, लेकिन इसमें स्टेन्स नहीं आते क्योंकि इसकी हार्डनेस ऐसी है। लेकिन ये जो लैमिनेट है ये 6H हार्डनेस लेवल पे, ये कहो कि स्टेन्स आने ही नहीं देगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगी, अभी ये स्टार्टिंग है तभी आपको इतने सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो ये लैमिनेट अंदर से कैसे होने वाला है चलो देख लेते हैं, फिर इसके करेंगे टेस्ट, इसको देखेंगे हमारी एक्सपेक्टेशन पे कितना खरा उतरा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये फोल्डर है 1.5mm और 1.25mm थिकनेस की, मतलब आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं इस कंपनी में, और एक्रेलिक लैमिनेट प्रोडक्ट है। तो अभी देखते हैं कि इस फोल्डर में क्या है जो कि इसको बाकियों से अलग बनाता है। सबसे पहले तो आप देखोगे स्टार्टिंग में यहाँ पे एक छोटा सा पैलेट दे रखा है जो एज बैंड का। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे एक्रेलिक में क्या डिफिकल्टी आती है कि आपको सेम मैचिंग कलर एज बैंड नहीं मिलता। कहीं पे एक्रेलिक आपने किसी कंपनी की ली, पता नहीं वो अच्छी है खराब है, लेकिन वहां पे आपको एज बैंड नहीं मिलता। जब यहाँ पे आपको जो एक्रेलिक मिल रही है उसके सेम कलर का एज बैंड भी मिल रहा है, जैसे आपको वुडन लैमिनेट में मिलता था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है एक्रेलिक लैमिनेट में जो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ 1.5mm लैमिनेट, और इसकी एप्लीकेशन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इस फोल्डर से आपको पता चल जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन कहां कहां यूज हो सकती है, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा, सिर्फ आप सोच रहे होगे किचन कबर्ड्स वगैरह के लिए, लेकिन ये यूज हो सकता है फार बेटर देन दैट। ये इसके कुछ सेलिएंट फीचर हैं, तो यहां पे देखोगे ड्यूरेबल है, मैंने आपको बताया हार्डनेस है 6H तो बहुत अच्छी बात है, ड्यूरेबल है। वाटर रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंस, मतलब वाटर तो प्रूफ मान लो एक तरीके से आप, और हीट रेजिस्टेंस है, इसके लिए मैं टेस्ट करने वाला हूं। प्रीमियम अपीयरेंस, क्योंकि ग्लास वाला फील होता है, आपको पता है लैकर्ड वाला जो फील होता है ना, कहां लैकर्ड है, इतना महंगा आता है और बच्चे भी तोड़ देते हैं उसे लैकर्ड ग्लास को, लेकिन आपको वही वाला फील इसमें मिल जाएगा और बच्चे भी नहीं तोड़ पाएंगे, पड़ेगा भी चीपर साइज। प्रीमियम फिनिश है, स्क्रैच रेजिस्टेंस है, मैं आपको बताया, लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है, आप इजीली क्लीन करो, वाइप कर दो, साफ हो जाएगा। चलो अब देख लेते हैं इसकी शेड्स वगैरह। अभी आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको मिल जाएंगे कुछ मार्बल पैटर्न्स, क्योंकि आजकल इंटीरियर में मार्बल पैटर्न इतने ज्यादा इन है क्योंकि उनको लगाने के लिए सब लोग सोचते हैं कि हमें टाइल लगानी पड़ेगी या फिर कोई और प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन जब आपको वही मार्बल पैटर्न ग्लास फील में मिल जाए तो वाजिबा क्या कहने हैं। तो यहां पे आप देखोगे बिल्कुल ग्लास वाले फील है, ग्लॉस बहुत प्यारा है और आप
आपको जो मार्बल पैटर्न मिल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल है और बहुत ही ज्यादा चलते हैं, ट्रेंडिंग है। एंड इसके बाद जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप देखो कि बहुत सारी जगह टीवी यूनिट्स वगैरह पे या फिर पैनलिंग वगैरह में तो बीच में एक टेक्सचर दिया जाता है, मतलब एक हिंट दिया जाता है जैसे ग्लास वगैरह का, जस्ट टू मेक इट वॉल पैनलिंग मोर ब्यूटीफुल। तो ये आप देखोगे वहां पे आपको ग्लास वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको गोल्ड, लाइट गोल्ड, रोज गोल्ड, बाकी सारी शेड्स में भी डार्क वगैरह, ग्रे वगैरह में मिल जाता है। तो इसका जो हिंट देके ना आप अपने वॉल पैनलिंग या टीवी यूनिट्स को बहुत खूबसूरत बना सकते हो, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। उसके बाद मिल जाते हैं आपको कुछ मैट कलर। मैट वैसे भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन ये वाले मैट की कुछ बात ही अलग है। जैसे आपका मैट नॉर्मली मैट होता है, लेकिन ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मैट है। इसके बाद आप देखोगे तो जो सबका ऑल टाइम फेवरेट होता है ग्लॉस वाले एक्रेलिक, जिसके लिए सब किचन के लिए पागल होते हैं कि भाई मेरे को कराना है, कौन सा वाला एक्रेलिक लगाऊं। और इसमें जो मैं आपको कलर दिखाने जा रहा हूं ना ट्रेंडिंग वाले, उसको देख के ना आप सच में कहोगे कि भाई ये होते हैं कलर। यहाँ पे ये वाले कलर जो है ये तो जनरली आपको देखने के लिए मिलते ही है, लेकिन ये वाले कलर देखो, ये सारे अभी तक के ट्रेंडिंग कलर है, जिसे आप देखोगे कहीं भी वीडियोस वगैरह में या फिर जितने भी इंटीरियर डिजाइनर हैं वो इन सबको यूज कर रहे हैं, और आप भी इन्हें यूज कर सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एंड आप अपनी किचन वगैरह कहीं पे भी इनको यूज कर सकते हो और उनको क्लास अपार्ट बना सकते हो। एंड उसके बाद आपको मिल जाता है वॉल पैनलिंग का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन। अब इसके लिए मैं बता दूं, पहले आप देख लो यहाँ पे जो आप देखोगे ना, ये एक्रेलिक शीट में इनबिल्ट आपकी गोल्डन स्ट्रिप मिल रही है। इसका फायदा आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे टीवी यूनिट या फिर आप कंसोलर या कुछ भी कह सकते हो, वहां पे ये चीज यूज कर रखी है। अब इसका बेनिफिट अगर आप सोचोगे ना, किसी भी लैमिनेट में आप कहोगे कि मैं तो ये लगवा सकता हूँ, मैं टी प्रोफाइल वगैरह लेके, अब वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब अगर प्रोफाइल ले लगवाओगे ना, एक तो सबसे अच्छी बात ये एक्रेलिक से बिल्कुल फ्लश है, सो दैट क्या होगा उसमें, क्या होता है प्रोफाइल में जब भी आप प्रोफाइल लगाते हो टी वगैरह, उसमें क्या होता है कि बच्चे का हाथ कटने का या निकलने का चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरा, जब आप वो लगवाते हो तो आपको एक ग्रूव डलवाना पड़ता है जिससे आपके अंदर वाले बोर्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वो भी कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये लैमिनेट में इनबिल्ट है, तो ये परफेक्टली जिसपे ये लगा रहे हो ऊपर से उसको परफेक्ट स्ट्रेंथ देती है। एंड इसमें भी आपको कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड फिर आप देखोगे, अगर कहोगे मेरे को तो भाई वर्टिकल लाइंस नहीं चाहिए, मेरे को तो हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो आप ये देखो हॉरिजॉन्टल भी आपको मिल जाएंगे। कंपनी सब चीज के बारे में सोचती है आपके लिए। एंड जिसको वुडन में चाहिए, जिसको जिसका फेवरेट तब भी वुडन ही रहेगा, और उसको फील चाहिए ग्लॉस वाला, तो वो इन वुडन शेड्स को ले सकता है अपने इंटीरियर के लिए। तो ये तो गया इसका 1.5 का फोल्डर। अब ये आता है 1.25 का, जिसमें आपको कुछ लिमिटेड शेड्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक रिकमेंडेशन है आपको, अगर आप एक्रेलिक ले रहे हो तो आप 1.5 की लीजिए। ऐसा नहीं कि 1.25 में कोई ड्रॉबैक है, लेकिन 1.5 में आपको ग्लॉस बहुत अच्छा मिल जाएगा जिसलिए आप एक्रेलिक ले रहे हैं। ग्लॉस 1.25 का भी अच्छा है, लेकिन परफेक्ट एक ग्लास वाला जो फील होता है ना, वो आपको 1.5 में ही मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें कि हम इसको टेस्ट जो करेंगे वो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, किचन में जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे फोक हो गया, उन चीजों से बेसिकली स्क्रैच लग सकते हैं, तो हम उसी से टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी मैं 1.5 का कोई सॉलिड कलर लेता हूं, ताकि आपको विजिबल हो अगर कोई स्क्रैच आए तो। इस तो अभी ये मेरा व्हाइट वाला जो एक्रेलिक है 1.5 का, इसके ऊपर भी आपको दिख रहा होगा 6H हार्डनेस। तो अभी मैं इस पे ये इससे इस निशान बांधने वाला हूं। पहले मैं थोड़ा ऐसे लाइट चला के देखता हूं, तो मुझे नहीं लगता अभी कोई फर्क पड़ा है, अगर आपको दिख रहा है तो। अब मैं इसे थोड़ा हार्ड से करता हूं ताकि पता चले कि कितना रेजिस्टेंट करता है स्क्रैचेस को। मुझे नहीं लगता इसमें अभी भी कोई स्क्रैच आया, और अगर आया भी है तो विजिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब वो आया ही नहीं है, एंटी स्क्रैच ही हो गया एक तरीके से। सेकंड टेस्ट के लिए मुझे एक लैमिनेट इसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तभी हो सकता है, अगर मैं इसी पे रख के करूंगा तो वो इतना आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले मैं इसको फोल्डर को अभी खराब करने वाला हूं, क्योंकि अगर हमें टेस्ट करना है तो हमें वो काम करना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा डार्क शेड लेता हूं, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये मैंने निकाल लिया है यहाँ पे एक बेज कलर का, कैंपेन कलर भी आप कह सकते हो थोड़ा बहुत इसे। तो इसके साथ मैं करूंगा अपना हीट और वाटर टेस्ट। तो सबसे पहले मैं हीट टेस्ट करूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट हीट टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कि मैंने एक यूटेंसिल में एक गर्म पानी ले लिया है। आप देखोगे इसके बबल्स को बताते हैं कि ये पानी गर्म है, और थोड़ा सा कैमरे पे भी फॉग आ सकता है गर्म पानी की वजह से। अब ये देखोगे यहाँ पे पानी गर्म है, और मैं इसको यूटेंसिल को गर्म पानी को बॉइलिंग वाटर को रखने जा रहा हूँ इस पे। हालांकि ऐसी सिचुएशन कभी आती नहीं है कि आपकी एक्रेलिक लैमिनेट जो आपके शटर्स वगैरह पे लगी है वहां पे कोई यूटेंसिल रखे, लेकिन ये हीट को देखने के लिए, क्योंकि ज्यादातर एक्रेलिक में प्रॉब्लम क्या होती है, वो चटक जाती है हीट से। हम ये देखना चाहते हैं कि ये कितना बेयर कर सकती है, इसके लिए हम इसे एक मिनट पूरा रखेंगे। 1 minute later. तो फिलहाल एक मिनट बाद मैं इसे हटाने जा रहा हूं कि ये खराब तो नहीं हुई है।
अब ये देख के मुझे ये लग रहा है एवरीथिंग इज ऑसम, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप देखोगे इसे आराम से तो आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना ही आपको कोई स्क्रैच या फिर डिफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। देखो नॉर्मली लोग करते क्या है कि पानी से इसको टेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं पानी डाल देते हैं नॉर्मली पानी, लेकिन मैं इसको गर्म पानी से टेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं इसको डिप करूंगा, देखूंगा ये कितना वाटर रेजिस्टेंस है या वाटर प्रूफ है या कैसा रिएक्ट करता है पानी के साथ, डिफॉर्म तो नहीं होता है। चलो इसी पानी से टेस्ट करते हैं, इसको बॉइलिंग वाटर में ही डालता हूँ मैं इसे। यहाँ पे धुआं उठना चालू हो गया है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा कि शीट पे कोई फर्क पड़ रहा है। One minute later. अब करीब एक मिनट बाद इसको भी हम निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि इस पे क्या हुआ है। एक्चुअली मैं ये वीडियो का यहाँ से कोई भी कट नहीं लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी पता चले बेसिकली ये कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस पे कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इसके हार्डनेस बोलूँ, हार्डनेस पे भी कोई फर्क नहीं है। अगर मैं गर्म जरूर हो गया है क्योंकि पानी गर्म था, लेकिन इसके आगे पीछे कोई कलर डिफॉर्मेशन या फिर कोई कलर वेरिएशन कुछ भी नहीं आया है और कोई भी चीज से इफेक्ट नहीं हुआ है। तो वेल ये मेरे टेस्टों पे तो खरा उतरा है, अगर आप चाहो तो इसके साथ एक दो टेस्ट और कर सकते हो, मुझे लगता है ये खरा ही उतरेगा। वेल अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्रेलिक लैमिनेट लोग चूज करते हुए डरते हैं, लेकिन ये जो मैंने टेस्ट किया है मुझे लगता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेक करना है, चूज करना है और एंजॉय करना है। लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसके एप्लीकेशन किचन और आपकी कबर्स तक लिमिटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक ऐसा प्रोडक्ट भी दिखाया था अंदर जिसमें आपकी गोल्ड प्रोफाइल इनबिल्ट है, जिससे जाहिर हो जाता आपको इसको टीवी यूनिट, आप इसको वॉल पैनलिंग, मतलब जहां भी आप चाहो वो यूज कर सकते हो, उसको स्पेस को डेकोरेट कर सकते हो। लेकिन ये याद रखिएगा कि वुडन लैमिनेट आपको ऐसा फील जिंदगी में नहीं दे सकते, चाहे वो 1.5 mm ही क्यों ना हो। थिकनेस सेम होने से प्रोडक्ट सेम नहीं होता है, क्योंकि एक्रेलिक लैमिनेट जो आपको फील देगा ना कुछ ग्लॉस वाला, जो ग्लास वाला, वो आपको वुडन लैमिनेट कभी नहीं दे पाएगा। तो ये जो एडवांस लैमिनेट है ये आपको श्योरिटी देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है, आपको कलर्स देता है, कलर ऑप्शंस देता है, फीजिबिलिटी देता है लगाने की, और इसी के साथ साथ ऑप्शंस देता है कि आप एक्रेलिक लैमिनेट को जहां जी भर के चाहो वहां लगाओ। एंड लास्टली जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग भी सोचते हो और मैं भी सोचता हूं कोई प्रोडक्ट खरीदते हुए, वो होती है उसकी वारंटी वगैरह। एंड मोर ओवर इसको जो लगाने का तरीका होता है उसके लिए भी कंपनी ने बहुत कुछ एडवाइस दे रखा है कि आपको कैसे लगाना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी को कॉल करके आप पूछ सकते हो कैसे लगाना। एंड हां मोर ओवर एप्लीकेशन का तरीका भी, एंड एप्लीकेशन के लिए जो एडहेसिव रिकमेंडेड है जो कि इनके खुद के नहीं है, तब भी ये रिकमेंड करते हैं कि भाई इस एडहेसिव से लगाओगे तो हमारा प्रोडक्ट अच्छे से लग जाएगा, वो भी आपको कैटलॉग या फिर आपको कंपनी प्रोफाइल में मिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है, कंपनी ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मैंने माल बेच दिया, वो ये भी सोचता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छे से लगे ताकि मैं आपको वारंटी अच्छे से दे सकूं। तो अगर आप भी ढूंढ रहे थे इतने टाइम से एक अच्छा एक्रेलिक लैमिनेट, तो आप एडवांस एक्रेलिक लैमिनेट के लिए जा सकते हो। एंड प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं जो एक्रेलिक लैमिनेट ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा एक्रेलिक लैमिनेट, उनको शेयर कर सकते हो ये वीडियो। मैं था आपका दोस्त महादेव त्यागी, आप देख रहे हो इंटार्टिक्स डिजाइन। थैंक यू।